महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में डॉक्टरों की एक टीम ने एक साल के मासूम बच्चे की सफल सर्जरी कर आहार नली बनाई है। इस बच्चे के जन्म से ही आहार नली नहीं थी इसमें, जिसके बाद वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ मधुकर मलेठा और उनकी टीम ने बच्चे का 6 घंटे तक जटिल ऑपरेशन किया और बच्चे को आहार नली देकर नई जिंदगी दी। महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में अब तक ऐसे तकरीबन 150 केसेस जो है वो ऑपरेट किए जा चुके हैं, लेकिन ये मामला काफी दुर्लभ श्रेणी का था, जिसे बच्चे का ऑपरेशन 2 चरणों में किया गया और सफल भी रहा। आपको बता दें कि देहरादून के आयत और अफसाना के बेटे जैद को जन्म से ही आहार नली नहीं थी, जिसके मेडिकल चेकअप में पता चला था कि बच्चे का ऑपरेशन कर उसे आहार नली लगाई जा सकती है। इसके बाद अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने गले से पेट तक जाने वाली आहार नली लगाकर नई जिंदगी उसे दी, तो वहीं बच्चे के सफल ऑपरेशन से उसके परिवार में खुशी की लहर है। परिवार के लोगों ने बच्चे के सफल ऑपरेशन पर महंत इंद्रेश हॉस्पिटल की टीम को धन्यवाद दिया। तो डॉक्टर्स नर्सेस का, क्योंकि छोटा बच्चा होता है उसको न्यूट्रिशन करनी पड़ती है, और फिर पूरी सर्जिकल टीम की एनेस्थीजिया ICU उसमें केयर, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव बॉर्डर लंगा ऑपरेशन होता है। ये ऑपरेशन कम से कम 6 घंटे चला और ऑपरेशन के बाद बच्चा सक्सेसफुली अब खा रहा है और काफ़ी बर्थ पर डेवलप कर रहा है। फ्यूचर में अनलाइकली उसकी कॉम्प्लिकेशन होएगी, बिकॉज अब उसने बच्चे ने पिकअप कर लिया, माउथ से लेना शुरू कर दिया।